जो यूथ है वो रोजगार की तलाश में, नए नए अवसरों की तलाश में कस्बों में, बड़े शहरों में गया, तो शहरों में एक समस्या पैदा हुई सीवरेज की। तो सीवरेज जनरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, वो सीवरेज को कहीं बहाने का माध्यम मिला, फिर वो इन नालियों में आ गया, इन नदियों में आ गया हमारी। इसके साथ साथ इंडस्ट्री, जो उद्योग बढ़े, जो औद्योगिकरण हुआ, उनको भी क्योंकि अपना कचरा बहाने का साधन चाहिए था, वो भी धीरे धीरे नदियों की तरफ मुड़ गए। हाँ, सब नदियों के यही लगभग हालात हैं। मुजफ्फरनगर में एक से बहती है काली ईस्ट नदी, वो बेसिकली गंगा की मेन ट्रिब्यूटरी है। उसका पहले हमने टेक्निकल स्टडी की, उसके बाद फिर हमने उसको ट्रैक किया। जब ट्रैक किया तो उसके उद्गम तक जब हम पहुंचे, वो अंतवाड़ा गांव है मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट का, तो वहाँ पूरी जमीन पे खेती हो रही थी, लेकिन हमको उद्गम वहीं दिखा रहे थे डॉक्यूमेंट्स। आज तो आपको रिवरमैन ऑफ इंडिया के नाम से सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, एक पॉपुलैरिटी है, पॉपुलर हैं आप सोशल मीडिया पे, उसके अलावा भी जगह जगह पे लोग आपके काम की सराहना करते हैं, लेकिन इतना आसान तो सफ़र नहीं रहा होगा, दिक्कतें तो होंगी, मुश्किलात तो हुई होंगी जब आपने शुरू किया होगा, किस किस तरीके के कुछ हैं याद? देखिए, मुश्किलें दो तीन तरीके की आती हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया, एक तो सामाजिक होती है, एक पारिवारिक होती है, शुरुआत तो परिवार से ही होती है, और तीसरी होती है आर्थिक। तो आप पारिवारिक भी झेल सकते हैं, सामाजिक भी झेल सकते हैं, लेकिन आर्थिक जो समस्या है वो बड़ी कठिन होती है। तो बहुत सारे दिन ऐसे गुजरते थे कि जिस दिन कभी खाना खा लिया, कभी नहीं खाया, क्योंकि जब तक अकेले रहते थे तो ये सब चीज़ें थी, क्योंकि भाई का भी उस समय काम शुरू ही हुआ था, वो छोटा था वैसे भी मेरे से, तो एक तो ये रहता था, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी आर्थिक समस्याएं रहती थी, कभी मोबाइल में पैसे नहीं है, कभी मोटरसाइकिल में तेल नहीं है, फील्ड में जाना है, तो क्योंकि दिन भर अगर इस काम में लगना तो पैसे का काम आप कब करोगे जो आपको पैसे कमाने हैं, तो वो तो हो नहीं पाता था। तो इसीलिए छोटा भाई मेरा थोड़ा ठेकेदारी इस टाइप के काम करने लगा, तो वही मेरा खर्चा चलाता था। अच्छा, तो अजीब सा भी लगता था, वो मेरे से 2 साल छोटा था। आपको और आपकी वाइफ दोनों को? हाँ, पूरे परिवार का ही वो चलाता था। वाइफ तो क्योंकि 2007 में शादी हुई, लेकिन उससे पहले, हाँ, उसके बाद ही मैंने बहुत कुछ किया नहीं भाई, माता पिता या भाई ही पूरा सब कुछ खर्चा चलाता था। लेकिन एक सेटबैक लगा कि वो भी बेचारा 2019 में स्वाइन फ्लू के कारण उसकी डेथ हो गई। अच्छा। और एक वो मेरे लिए सबसे बड़ा कठिन दौर था, एक जो आपका स्तंभ था। हाँ, वो क्योंकि छोटा भी था, उसने मुझे कभी निराश नहीं किया कि तू आगे बढ़, मैं हूँ, तो ये सब चीज़ें रहती हैं कभी कभी। तो ये सब कठिनाइयाँ रहती हैं जीवन में। असल में जब आदमी देखता है ना किसी सफल व्यक्ति को या उसके उसको, मेरा सभी से कहना है कि कभी उसके संघर्ष को पढ़ो। जो लोग बोलते हैं रातों रात स्टार्ट, ना, 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 नहीं होता, नहीं होता। रात के पीछे सालों की मेहनत होती है। मैं आपको इसीलिए साधुवाद भी देता हूँ क्योंकि आप इस तरह की स्टोरीज बनाते हैं और उनको समाज के बीच ले जाते हैं। इससे होता क्या है कि समाज को जो इस तरह के काम में हाथ डालने की इच्छा रखते हैं या हम हौसला रखते हैं, उनको प्रेरणा मिलती है कि इतना आसान नहीं है, और आसान है भी तो ये संघर्ष है। अगर ये सब उसको सीख ले तो उस संघर्ष से कैसे निकलना है वो भी वो सीख सकता है। तो ये जो आप ये एपिसोड बनाते हो तो इसका ये फायदा भी है। हमारा यही मकसद है कि लोग एक तो प्रेरणा मिले और दूसरा ना उनको पता चले कि नामुमकिन भी नहीं है, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं, नामुमकिन कुछ नहीं है इस दुनिया। जब हमारा मकसद ये होता है कि आपकी स्टोरीज और आपके जैसी और स्टोरी देखकर लोग सोचे कि अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात। तो पहली बार कब आपको लगा कि हाँ चलो हम थोड़ा सा स्टेबल हो गए? देखिए, जब हमने हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के 12A TG FCRA वगैरह सर्टिफिकेट सब आ गए तो हम भी एक सीख गए चीज़ों को, कैसे सरकार फंड करती है, एजेंसीज कैसे फंड करती हैं। तो सबसे पहले मैं 2009 में इस्तांबुल गया था वर्ल्ड वाटर फोरम में भाग लेने के लिए। अपने खर्चे से? ना, उन्होंने बुलाया था मुझको। अच्छा। हाँ, तो
मतलब अब 2009 तक थोड़ा सा आपका हाँ काम लोगों तक पहुंचने लगा था। तो एक वर्ल्ड वाटर फोरम था, मैंने मेल ईमेल किया उनको, हम ऐसा काम करते हैं, तो उनका जवाब आ गया कि आप आइए। तो उससे पहले मैं कभी हवाई जहाज में नहीं बैठा था। अच्छा हाँ, अब डायरेक्ट इंटरनेशनल हाँ टिकट विकेट आ गया, सब कुछ हो गया। भाई ने 20,000 रुपये के डॉलर मुझे चेंज करा के दे दिए कि वहाँ जा रहा है तो थोड़ा ज़रूरत पड़ेगी, ये ले जा। अब इस्तांबुल पहुँच गए, वहाँ उनके खैर व्यवस्था थी अब एयरपोर्ट से ले जाने की। होटल रुके वहाँ, एक हफ्ता रहा मैं। बहुत पूरी दुनिया के पानी पे काम करने वाले लोग वहाँ इकट्ठा थे, तो वहाँ कुछ एक दो भारत के भी लोग मिले मुझे, और डॉक्टर सैफुद्दीन सोज उस समय वाटर रिसोर्स मिनिस्टर थे, उनसे भी मेरी वहाँ मुलाकात हुई। तो वहाँ जो एक सीखा, वहाँ जो एक्सपोजर था, कुछ ऐसे एजेंसीज से वहाँ मेरी मुलाकात हुई, जैसे वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे एक एजेंसी अमेरिका की है। तो मैं जब वापस आया तो मुझे यहाँ लगा कि यार ये तो अब तक तो सोचते थे कि और देशों में भी लोग रहते हैं, लेकिन वो ऐसे रहते हैं क्योंकि शिप में भी हम गए, समुद्री शिप में, और ये सब चीज़ें वहाँ देखी, पूरा खुलापन। क्योंकि इस्तांबुल और भारत की कल्चर बहुत मिली हुई है, जैसे दिक्कत और अदा, ये शब्द सब इस्तांबुल के हैं। अच्छा हाँ, तो आए तो मेरा तो दिमाग ख़राब, कहा यार ये दुनिया भी है, तो यहाँ आकर के मैं बात ना करूँ किसी से, कहे तो एक दिमाग को क्या हो रहा है। तो मुझे लगा यार ये तो बहुत हमें काम करना है अभी। तो हमने फिर और आगे चीज़ों को बढ़ाया। उसी साल फिर मैं बैंकॉक थॉमस आर्ट यूनिवर्सिटी में लेक्चर के लिए बुलाया गया, फिर नेपाल इंजीनियरिंग कॉलेज में। फिर मेरा रूटीन बढ़ता चला गया, फिर चीज़ें ऐसी आगे बढ़ती चली गई। तो उससे क्या हुआ कि एक्सपोजर से सोचने की शक्ति बढ़ती है, लोगों को दिमाग खुलता है, देखते हैं कि कैसे काम आगे बढ़ते हैं। फिर वहाँ से उस एजेंसी के साथ हमारा संपर्क हुआ, कुछ फंड उनसे हमको मिला, कुछ वाटर टेस्टिंग किट्स उन्होंने भेजी, जिसके आधार पर हम 3 साल हमने काम किया और तीनों साल हम एशिया का वाटर चैंपियन अवार्ड जीते। अच्छा हाँ, लगातार। तो वो टेस्टिंग किट क्या होती है, कैसी वो होती? टेस्टिंग वाटर टेस्टिंग किट थी, तो उनसे हमको अलग अलग मॉनिटरिंग करनी थी देश में, पोन्ड्स की, हैंडपम्प्स की, स्कूल्स में, अलग अलग जगह पर, क्वालिटी ऑफ वाटर। हाँ, क्वालिटी ऑफ वाटर। तो हमारी रिपोर्ट सबसे बेस्ट जाती थी 3 साल तक लगातार। एशिया का वाटर चैंपियन अवार्ड 3 साल हमको मिला, वो देता है इंटरनेशनल वाटर एसोसिएशन और वर्ल्ड एनवायरमेंट फेडरेशन, वो दोनों मिलकर उसको देता। अच्छा हाँ, तो उसके बाद धीरे धीरे और चीज़ें बढ़ी, कुछ एजेंसीज के साथ हमारा संपर्क हुआ, इन जैसे IGSSS है, CE है, फिर तो हम आना जाना शुरू हुआ, सेमिनार्स में लोग एक्सपोजर मिलना शुरू हुआ, सरकार के कुछ प्रोजेक्ट्स हमने किए और कुछ इनोवेशन हमने करने शुरू कर दिए। इस दौरान नदियों का काम तो आगे बढ़ ही रहा था, तालाब के काम आगे बढ़ने लगे, इवन जो तालाबों की एप्लीकेशंस थी वो DM से ज़्यादा मेरे पास आने लगी। उन्हें लगता था ये करा देगा, तो मैं फिर वहाँ भेजता था, DM साहब के यहाँ भेज दिया, CDO साहब के यहाँ भेज दिया कि जी ये इसके गांव का तालाब है, तो इसको तो ऐसे काम धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ी, थोड़ा सा स्टेबल होते आगे। हाँ, तो अभी जैसे जो ये मुजफ्फरनगर वाला जो प्रोजेक्ट था, जो आपकी पहली नदी रिवाइवल प्रोजेक्ट था, ये कब की बात है? ये हमने शुरू किया था 2016 में। 2016 में? हाँ, 2016, 17, 18, 19, 4 साल इसमें हमको लगे। वो पहले तो हमने टेक्निकल स्टडी ही की इसकी कन्नौज तक, जहाँ तक ये जाती है, पूरा लोगों के साथ समन्वय बनाना, ये सब चीज़ें हम करते रहे। फिर इसके उद्गम को पुनर्जीवित किया, उसमें 2 साल का समय लगा हमको, और उसकी धारा पे फिर आगे काम किया। हमारा कंसेप्ट ये है कि जो नदी किनारे का बसा हुआ समाज है, वो अगर अपनी नदी की ओनरशिप नहीं लेगा तो काम आगे नहीं बढ़ेगा। तो हमारा उद्देश्य यही है कि जो नदी के किनारे बसा हुआ समाज है वो अपनी नदी की ओनरशिप ले। वो कैसे लेगा, उसके तरीके हमने ईजाद किए हैं। नदी कैसे पुनर्जीवित होगी, उसके मॉडल हमने बनाए हैं, और आज हमारी नदी के मॉडल के आधार पर देश में लगभग 30 से 40 नदियों पर काम चल रहा है। अच्छा हाँ, उसमें अलग अलग राज्य में है, बहुत सारी नदियाँ उत्तर प्रदेश की हैं, एक मध्य प्रदेश की भी है, हिमाचल की है, उत्तराखंड में है। तो लोग अब संपर्क करते हैं, नदी की बात करनी है कि आप उनके मॉडल पे बात करिए, क्योंकि ये ऐसे मॉडल हैं कि जो समस्या थी उसको रिवर्स करना है। वाटर टेबल नीचे गया तो उसको बढ़ाने के लिए हम क्या करें, तालाब बनाने पड़ेंगे, जंगल खड़ा करना पड़ेगा, वो सारे काम हमको करने, बंदे बनाने पड़ेंगे। तो उसी के आधार पे हमने मॉडल डेवलप किया, उसके 10 बिंदु हैं, और इसी तरह से ये कारवा आगे बढ़ रहा है। अभी हम ये भी हमने एक प्लान किया है, हमने उसको गठन कर लिया है, भारतीय नदी परिषद, इंडियन रिवर काउंसिल, क्योंकि अमेरिका जैसे देश में एक ऐसी व्यवस्था है, वाटर कीपर अलायंस वहाँ काम करता है, वहाँ के राष्ट्रपति थे जॉन F. कैनेडी,
उनके कुनेडी जूनियर जो हैं वो उसको रन करते रहे, अब शायद वो बोर्ड से हट गए। तो उसका मेंबर हमको भी बनाया गया उन्होंने, क्योंकि हम नदियों पे यहाँ काम कर रहे थे, तो मुझे तीन बार वहाँ जाने का अवसर भी मिला। एक बार यूटा में गया था मैं, एक बार बफेलो और एक बार अभी वाशिंगटन डीसी में। तो तीन कॉन्फ्रेंसेस मैंने वहाँ अटेंड की हैं। तो पूरी दुनिया के वहाँ नदियों पे काम करने वाले लोग इकट्ठा होते हैं, तो जिस तरह से वो अपनी नदियों के लिए काम कर रहे हैं संगठन के माध्यम से, इसी तरह भारत में हम भारत की नदियों के लिए काम करें इंडियन रिवर काउंसिल के माध्यम से। तो इस उद्देश्य से हमने इस काउंसिल का गठन किया है, उसको हम लॉन्च कर रहे हैं अगस्त में। एक रिवर पीडिया भी उसके साथ में हम डेवलप कर रहे हैं कि अगर किसी रिसर्चर को, किसी भी व्यक्ति को महाराष्ट्र की किसी नदी के बारे में जानना है तो उस इंडियन रिवर काउंसिल की वेबसाइट पर जाए, उसके बारे में देखे, उसकी नदी की सारी डिटेल्स आ जाएंगी। अच्छा, उस पर काम करने वाले कौन लोग हैं वो आ जाएंगे। जो भारत का पूरा नदी सिनेरियो है, जो बेसिन मैनेजमेंट है, पूरे बेसिन हैं नदी के, वो सब वहाँ उसको मिलेंगे। और आपस में जितने भी नदियों में काम करने वाले लोग हैं, आपस में समन्वय बना के कैसे काम को बेहतर करें, एक वो वहाँ से उनको सब प्राप्त होगा। तो उस पर हम आगे बढ़ रहे हैं इंडियन रिवर काउंसिल पे भी। तो अभी जैसे अभी आपके, आपने बताया 30-40 जगहों पर, 30-40 छोटी नदियों पर काम चल रहा है। अभी मैं हाल में एक आर्टिकल पढ़ रहा था जहाँ पर ये मेंशन था कि इंडिया में करीब 21 ऐसी जगहें हैं, 21 ऐसे शहर हैं जो ऑलमोस्ट ड्राई होने वाले हैं अगले कुछ सालों में। तो अगर एज एन ऑडियंस जो मैं, जो इस एपिसोड को देख रहे होंगे, वो अगर उसके लिए कुछ करना चाहें तो क्या हो सकता है, या किस तरीके की ऐसी नीतियाँ, किस तरीके का ऐसा हमको अपने एनवायरनमेंट के प्रति ऐसे कुछ काम करने चाहिए जिससे ये रुक सके, ऐसा क्या हो सकता है? तो ये मतलब हमें एज अ सिटीज़न क्या क्या हम कर सकते हैं इसको? देखिए, एज अ सिटीज़न आप, कोई ज़रूरी नहीं कि आप तालाब बनाएं जा करके। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो पैसे से उनको मदद कर सकते हैं कि एक तालाब आप हमारी तरफ से भी बना दीजिए एज ए वॉलंटियर। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, भाई 1000 पेड़ मैं आपको देता हूँ, ये जगह है यहाँ, 1000 पेड़ मेरे रिसोर्सेज से आप लगा दीजिए। कुछ नहीं कर सकते हैं, जो एक तालाब बनाने वाला व्यक्ति है उसको एक फ़ोन कर दीजिए, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लोग ये भी करने से कतराते हैं। कितने लोग हैं जो कुछ अच्छे काम करने वालों को फ़ोन करके कहते हैं, उनकी टांग तो खींचते रहेंगे बिल्कुल, कि भाई इसमें कुछ ना कुछ ये कमा रहे होंगे या कुछ गलत काम कर रहे होंगे। तो ये सभी का दायित्व है। आप सुबह उठने से लेकर रात तक सोने तक कितना कुछ प्रकृति से ले रहे हैं, खाना, पानी, हवा, लोटा क्या रहे हैं? आप जरा सोने से पहले, जब फेसबुक आप देख के सोते हैं तो उससे पहले जरा सोचिए कि आपने दिन भर में कितना लिया प्रकृति से, कितना लौटाया। लौटाने वाला आपका जो खाता है वो शून्य मिलेगा। तो रमन जी, रिवर मैन ऑफ इंडिया के नाम से तो आप मशहूर हैं। अभी हमने सुना है कि आपके ऊपर, आपकी जीवन पे आधारित एक मूवी भी आ रही है, फिल्म। हाँ, एक पहली बॉलीवुड मूवी है जो नदियों के संरक्षण पे बनी है जी। इसके डायरेक्टर हैं प्रभात कुमार। वो जब मेरे से मिले थे तो वो एक स्टोरी बता रहे थे, तो फिर उन्होंने मेरे बारे में सुना और मैंने जब बताया, बोले यार यही तो स्टोरी है, यही तो मैं लिख रहा था। तो उन्होंने कहा, यार ये तो सेम स्टोरी है जो मैं लिखना चाह रहा हूँ। तो ये मूवी की जो स्टोरी है वो मेरे काम से इंस्पायर्ड है। अच्छा, तो संभवतः जुलाई के लास्ट में रिलीज होगी। इसके जो गाने हैं वो पापोन, पलक मुच्छल और टाइटल ट्रैक सोनू निगम ने गाया है। अच्छा, बड़ा अच्छा म्यूजिक है और एक संदेश देने वाली मूवी है कि नदी जब मरती है तो उसके क्या दुष्परिणाम समाज को झेलने पड़ते हैं जी। और जब समाज का कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो कैसे नदी पुनर्जीवित होती है। तो ये दो संदेश बड़े प्यारे हैं इस मूवी के, और पारिवारिक फिल्म है और समाज में जो नदियों पे, पानी पे काम करने वाले लोग हैं उनके अंदर एक बहुत अच्छा गहरा संदेश ये छोड़ेगी। और मुझे उम्मीद है कि इसके माध्यम से एक अलग तरह का संदेश समाज में जाएगा। तो अगर रमन जी, अगर आप हमारे एक यंग ऑडियंस जो है हमारा, उनके लिए अगर आप कुछ मैसेज देना चाहें तो क्या होगा? देखिए, ऐसा है, ये ऐसा दौर है कि जो संक्रमण काल भी आप कह सकते हैं, संक्रमण काल इस सेंस में कि बहुत चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं, ग्लोबली भी और लोकली भी। और भारत की तरह पूरी दुनिया देख रही है, भारत एक आगे बढ़ता हुआ राष्ट्र है। इस दौरान बहुत सारे डिग्रेडेशन होते हैं पर्यावरण को लेकर के,
तो उन पे हमको निगाह रखनी है। प्रत्येक व्यक्ति अगर अपने सराउंडिंग्स में, अपने घर में ही मान लीजिए आप, ये तय कर ले कि मेरी तरफ से या मेरे कारण प्रकृति को कोई नुकसान नहीं होगा, ना नदी को होगा, ना तालाब को होगा, ना पेड़ों को होगा, ना किसी अन्य चीज़ को होगा, तो उस दिन एक मूवमेंट बन जाएगा, सकारात्मक आंदोलन। तो हर व्यक्ति को ये सोच लेना चाहिए कि मेरा क्या दायित्व है प्रकृति के प्रति, कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा, तो उसको सुधारने का प्रयास करें। दूसरे को ना कहे, अपने आप को सुधारने का प्रयास करें हर व्यक्ति, तो अपने आप ही सारी चीज़ें सोल्व हो जाएंगी। और कुछ चीज़ें किसी के लिए अच्छी होती हैं, कुछ चीज़ें किसी के लिए बेकार होती हैं। जैसे एक शेर है कि सहमी हुई है झोंपड़ी बारिश के वेग से, महलों की आरजू है बरसात तेज हो। तो किसी झोंपड़ी वाले को डर लग रहा है बारिश से कि मेरी झोंपड़ी ढह जाएगी, महल वाले को लग रहा है बारिशों में आनंद लूँ उसका। तो सबके लिए सब चीज़ें सेम नहीं होती हैं, और हर आदमी हर काम कर नहीं सकता है, लेकिन वो अपने आप में जरूर सुधार ला सकता है। अपने आप से कुछ गलत मत करो। अगर आप 100% गलत कर रहे थे, उसको 50 पे लाओ कम से कम, 50 कर रहे थे 25 पे लाओ, कम करते चले जाओ, तो आप देखेंगे कि एक दिन ऐसा आएगा कि लोग अपने आप संभलेंगे, चीज़ें बेहतर होंगी। अपने आसपास देखो जरा क्या गलत हो रहा है, उसमें थोड़ा हाथ बटाओ, यही मेरा कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद रमन जी आपके समय के लिए। नमस्कार। और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि ये 30-40 दिवस जो काम चल रहा है, ये 300-400 तक पहुँचे इनकी संख्या, और हम जैसे और बहुत से लोग आपके साथ जुड़ें और आपसे कंधे से कंधा मिलाकर चलें आगे। नहीं, हमारा उद्देश्य भी यही है कि पूरे देश में एक नदियों का सकारात्मक आंदोलन हो, और जब तक ध्येय न पूरा होगा तब तक मेरी गति न रुकेगी, जब जब नदियों में निर्मल जल होगा तब तक मेरी खुशी बढ़ेगी। धन्यवाद। धन्यवाद।